नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्यमंत्री शिवराज रीवा में करेंगे ध्वजारोहण। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर मनेगा गणतंत्र दिवस। भोपाल में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा झंडा वंदन करेंगे। 342 जवान परेड में भाग लेंगे। परेड में 11 अलग अलग टुकड़ियां भी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम। मुख्यमंत्री शिवराज रीवा में ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा द्वारा झंडा वंदन किया जाएगा। 342 जवान परेड में भाग लेंगे। परेड में 11 अलग अलग टुकड़ियां भी शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा झंडा वंदन करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में झंडा वंदन करेंगे। 342 जवान शामिल होंगे, तो वहीं परेड में 11 अलग अलग टुकड़ियां भी शामिल होंगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ 342 जवान इस परेड में भाग लेंगे, तो वहीं 11 अलग अलग टुकड़ियां भी इस परेड में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा झंडा वंदन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में झंडा वंदन करेंगे। 342 जवान परेड में शामिल होंगे, वहीं परेड में 11 अलग अलग टुकड़ियां भी शामिल होंगी।